भगवान राम और उनके भाइयों ने इसी जगह पर शिक्षा पाई। रामायण में वर्णित दुर्दांत राक्षसी ताड़का का वध यही हुआ। यही मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। यही वह जगह है जहां बंगाल और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने मात दी और भारत में ब्रितानी हुकूमत की नींव पक्की कर दी। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बिहार की आध्यात्मिक राजधानी बक्सर की। भोजपुरी भाषी ये जिला 1991 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसका सियासी और धार्मिक महत्व काफ़ी पुराना है। यहाँ हुए चुनाव की खासियत ये है कि जिसने भी यहाँ का सामाजिक समीकरण साध लिया उसकी जीत निश्चित है। यही वजह है कि यहाँ अब तक हुए 16 आम चुनाव में 11 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को जीत मिली है। एक आंकड़ा ये भी अहम है कि यहाँ सबसे अधिक 6 बार बीजेपी और 5 बार कांग्रेस को जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले NDTV की विशेष सीरीज नो योर कंस्टिट्यूएंसी में आज बात इसी बक्सर लोकसभा सीट की, जहां इस बार बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने नए चेहरों को मौका दिया है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए एक तीसरे शख्स के मैदान में उतरने की चर्चा है। पटना से लगभग 172 किलोमीटर पश्चिम और मुगल सराय से 109 किलोमीटर पूर्व में मौजूद बक्सर के सियासी हिसाब किताब पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि खुद इस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी बक्सर का इतिहास क्या है। प्राचीन काल में बक्सर का नाम व्याघ्रसर था, क्योंकि उस समय यहाँ पर बाघों का निवास हुआ करता था। इस जगह का जिक्र रामायण महाकाव्य में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि बक्सर में गुरु विश्वामित्र के आश्रम में भगवान राम और उनके भाइयों ने शिक्षा दीक्षा हासिल की थी। यहीं के ब्रह्मपुर गांव में प्राचीन ब्रह्मेश्वर मंदिर मौजूद है, जिसे मोहम्मद गजनवी ने अपने आक्रमण के दौरान ढहा दिया था। बाद में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मुगल काल के दौरान हुमायूं और शेरशाह के बीच ऐतिहासिक लड़ाई 1539 ईस्वी में यहीं के चौसा के मैदान में हुई थी। इसके बाद सर हेवोटर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 23 जून 1764 को मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। बक्सर से 6 किलोमीटर दूर मौजूद कटकौली के मैदान में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और भारत में ब्रिटिश राज की नींव पुख्ता हुई थी। इस मैदान में इस लड़ाई की याद में आज भी पत्थर का स्मारक लगा हुआ है। बक्सर को जिला बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने करीब 11 साल तक लंबी लड़ाई ले ली, जिसके बाद 17 मार्च 1991 में इसको जिले का दर्जा मिला। इससे पहले बक्सर शाहाबाद का हिस्सा था। अब इसकी डेमोग्राफी को भी समझ लेते हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें ब्रह्मपुर, डुमराव, बक्सर, राजपुर सुरक्षित के अलावा कैमूर जिले का रामगढ़ और रोहतास जिले का दिनारा विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 18,06,000 से ज़्यादा है, जिसमें से 9,53,000 से अधिक पुरुष मतदाता और 8,52,000 से ज़्यादा महिला मतदाता हैं। इस लोकसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 4 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद यादव वोटरों की संख्या 3.5 लाख के करीब है, राजपूत मतदाताओं की संख्या 3 लाख है, भूमिहार मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 1.5 लाख के करीब है। इसके अलावा यहां पर कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, दलित और अन्य जातियां भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रामगढ़ से सुधाकर सिंह, ब्रह्मपुर से शंभू यादव और दिनारा से विजय मंडल राजद प्रत्याशी के रूप में यहां से पिछले चुनाव में विजयी हुए थे। यहां की 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बक्सर से कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी और राजपुर से विश्वनाथ राम विजयी हुए थे। डुमराव से CPI माले के अजीत कुमार सिंह ने जीत का परचम लहराया था। भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट यहां नहीं मिली थी। आज़ादी के बाद यहां पहला चुनाव साल 1952 में हुआ था, जिसमें तब के डुमराव के महाराज
कमल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। इसके बाद 1957 में बक्सर लोकसभा क्षेत्र बना। इस चुनाव में भी कमल सिंह विजयी हुए थे। हालांकि 1962 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद करीब 3 दशक तक कांग्रेस पार्टी का इस सीट पर एक तरफा राज रहा, क्योंकि 1962 से 1984 तक के यहाँ के चुनाव में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर रामानंद तिवारी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। रामानंद तिवारी भोजपुरी इलाके के कद्दावर समाजवादी नेता थे और कई बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे थे। 1979 के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस का पत्ता यहाँ से बिल्कुल साफ हो गया। 1979 में इस सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तेज नारायण सिंह चुनाव जीते थे। 1996 के चुनाव में यहाँ पहली बार कमल खिला और लालमुनि चौबे यहाँ के सांसद चुने गए। लालमुनि यहाँ से लगातार 4 बार सांसद रहे, यानी 1996 से लेकर 2004 तक इस सीट पर भगवा झंडा लहराता रहा। लेकिन साल 2009 के चुनाव में भाजपा से ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह ने छीन ली। हालांकि साल 2014 के चुनाव में एक बार फिर से बाजी पलटी और बीजेपी ने यहाँ बड़ी जीत दर्ज की और अश्विनी चौबे यहाँ से जीत कर लोकसभा पहुँचे। 2019 में भी अश्विनी चौबे ने ही यहाँ जीत दर्ज की थी। उन्होंने राजद के प्रत्याशी जगदानंद सिंह को चुनाव में हराया था। इस बार यानी 2024 में यहाँ चुनावी माहौल बदला दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद अश्विनी चौबे को और आरजेडी ने पिछले चुनाव में उप विजेता रहे जगदानंद सिंह को विराम दे दिया है। बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी पर तो आरजेडी ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर दांव खेला है। हालांकि दिलचस्प ये है कि इस सीट से आईपीएस आनंद मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वीआरएस भी ले लिया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। बहरहाल मिथिलेश तिवारी के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें बीजेपी के मजबूत गढ़ में फिर से कमल खिलाना है। इस सीट पर पहले तो लालमुनि चौबे ने बीजेपी की जड़ें मजबूत की और उसके बाद अश्विनी चौबे ने यहां से बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार जीत दर्ज की। उधर नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह पिता की विरासत थामने इस चुनाव में उतरे हैं। उनके पिता जगदानंद सिंह ने 2009 में बीजेपी के चर्चित नेता लालमुनि चौबे के जीत के रथ को रोका था। चर्चा ये भी है कि इस बार ददन पहलवान भी यहाँ से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। अब देखना यह है कि पूर्वांचल के रास्ते बिहार का द्वार कहे जाने वाले गंगा किनारे बसे बक्सर से वहाँ की जनता किसे संसद में भेजती है।